ये भीड़ देखिए, पहली नजर में आप भी यही सोच रहे होंगे कि किसी नेता के स्वागत का सीन है, लेकिन मिर्जापुर में गंगा घाट पर उमड़ा ये सैलाब किसी खास के लिए है। मिर्जापुर की डीएम दिव्या मित्तल जहां जा रही हैं, हर तरफ से भीड़ उन्हें घेरे हुए है। महिला हो या पुरुष, हर कोई मिलने को बेताब है और फूलों की बारिश के तो क्या ही कहने। दरअसल एक साल तक मिर्जापुर की डीएम रहने के बाद दिव्या मित्तल का ट्रांसफर बस्ती जिलाधिकारी के रूप में कर दिया गया है और ऐसे में अपनी चहेती मैडम की विदाई को यादगार बनाने पूरा जिला ही पहुंच गया। कई व्यक्ति जो कि प्रदेश के और देश के बाहर भी रहते हैं, वो आपके वीडियोज और आपके जो है ऐसे चीजों को देखकर वो काफी प्रभावित है, तो क्या वो बस्ती जिला में या जहीं कहीं भी आप हैं, तो उनके लिए समय कैसे, क्योंकि आप जिस दायित्व पे है समय मिलना कम आसान है। समय कभी भी पाबंदी नहीं होता, समय तो जिलाधिकारी के रूप में भी कम ही होता है, रिपोर्टर के रूप में भी कम होता है। यदि आपके मन में भाव, मेरा मानना है यदि आपके मन में प्रेम है ना, तो उस व्यक्ति के साथ आपके 5 मिनट भी काफी है, और यदि प्रेम नहीं है तो जीवन भर आप साथ काट लें और उसका कुछ नहीं होगा। यदि प्रेम है तो वो रहेगा, वो चाहे व्यक्ति विदेश में हो या देश में हो या कहीं भी हो, तो हमेशा समय रहेगा। जितना समय रहेगा उसमें जितना बन पड़ेगा उतना मैं अवश्य करूंगी। तो पुनः आप सबने इतना स्नेह मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विदाई कार्यक्रम से पहले दिव्या मित्तल की फूलों से सजी गाड़ी घाट किनारे पहुंची, जहां उन्हें सम्मानित किया गया। कभी स्टेज पर नन्ही बच्ची के साथ डांस करती, तो कभी गाड़ी रुकवाकर महिलाओं की फरियाद सुनती और कभी अधिकारियों को सख्त फटकार लगाती। दिव्या मित्तल सोशल मीडिया पर काफी फेमस हैं। सरकारी अधिकारियों का तो तबादला होता ही रहता है और न जाने कितने डीएम आते और जाते रहते हैं, मगर जिस तरह दिव्या मित्तल ने कहा कि मिर्जापुर उनकी आत्मा में बसता है, वैसे ही इस विदाई से लोग कह रहे हैं कि डीएम मैडम उनके दिलों में बसती हैं। काहे रोत रहू, अरे बच्चा गरीब आदमी है। हाँ, अब ऐसा साहब आपके दोबारा मिलू कि ना मिलू। हाँ, तो का कहे दिल में रोवत कहानी, सब सब ठीक भले बूढ़ा कले बुलाया जी। अच्छा, कौने गांव से आए हो? जमालपुर। अच्छा, जमालपुर से। बिलास से गांव का। NBT ऑनलाइन के लिए मिर्जापुर से मुकेश पांडे की रिपोर्ट।